देखिए दोस्तों, मैं राकेश कुमार यादव, मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेके आऊँ जो रेलवे और एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन देखिए, 90 किलोमीटर प्रति चाल से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। चाल कितनी है? 90 को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से इंटू करेंगे, 5/18 से 5 बार, 5 को 25 से 25 मीटर सेकंड, 180 भाग 25, 25 में 5 का 5, 180 में 5 3 15, 5 6 2 30, 36, 36/5, 5 7 35, 7.2 सेकेंड, 7.2 सेकेंड में पार करेगी। दोस्तों आगे देखिए, दोस्तों एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 800 रुपये की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% वृद्धि होती है तो राशि बढ़कर हो जाएगी। तो दोस्तों 3 वर्ष में 4% की दर से कितनी बढ़ेगी? 12% राशि, 12%, 800 × 12/100, 2 0 से 2 0 से चलेगा, 12 96, 96 रुपये और बढ़ जाएगा। दोस्तों कितनी? 3 920 + 96, 6 9 2 11, 1 9 1 10, 1016 हो जाएगी। आगे देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन, 7 × 0.7 × 0.07 × 0.007 × 70 का मान क्या होगा? 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 70 कर लेंगे दोस्तों, 1 0 नीचे उतार लेंगे, इसकी 10, इसका 100 उतार लेंगे दोस्तों, इसका 1000 उतार लेंगे दोस्तों, ये आएगा 0 से 0 चला जाएगा, 7 × 7 = 49, 49 × 7 = 343, 7 × 7 = 49, 343 को 49 से इंटू करेंगे दोस्तों, 9 3 27, 7 2, 9 4 36, 36 और 2 38, 3, 9 3 27 और 3 30, 4 3 12, 1 4 6 16, 17, 1 4 3 12, 1 13, 7 8 2 10, 1 7 1 8 6, 16 8 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0.16807। आगे देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन, 11 + 11 / 11 + 11 × 11 - 11। तो दोस्तों पहले भाग होता है 11 + 11 / 11 + 11 × 11 = 121 - 11, 11 से 11 चला जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा, ये प्लस का 11 है, माइनस का 11, माइनस का 11 प्लस का 11 चला जाएगा दोस्तों, 21, 121 प्लस 1 122। आगे देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती HCF और लघुत्तम समापवर्ती क्रमशः 6 और 36 है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ऐसे होता है कि LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। HCF कितना दे रखा है अपन को? 6, HCF 36, पहली संख्या एक संख्या दे रखा है 12, दूसरी संख्या निकालना है, 6 × 12 2, दूसरी संख्या दोस्तों 18। आगे देखिए दोस्तों, ए और बी क्रमशः 1 लाख और 1,50,000 रुपए का निवेश करते हैं। निवेश करके कारोबार शुरू करते हैं, 2400 रुपए का कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा। तो दोस्तों ये जीरो जितने कटने वाले होते काट देते, 4 0, 1 2 3 4, ये 5 से 2 बार, ये 5 से 3 बार, इनका अनुपात ये है, तो इनका लाभ का अनुपात भी यही होगा, 24,000 / 5 × 24 का भाग दे देंगे दोस्तों, इसमें 24 में 5 का भाग दे देंगे, 5 × 4 = 20, 5 = 4,800, इसका हो जाएगा 9,600, इसका हो जाएगा 4,800 × 3, 8 × 24, 2 × 4 = 12, 13 × 14, 14,400। आगे देखिए दोस्तों, सातवां क्वेश्चन, एक किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, एक किसी कार्य को 40 दिन में, ए और बी साथ मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में, ए और बी मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में, इनका लघुत्तम ले लेंगे दोस्तों, 40 और 30 का 120, इसका 3, इसका 4, मतलब ए की स्पीड 3 और बी की स्पीड 1, बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा काम कितना है 120, बी की स्पीड कितनी है 1 की, 120 दिन लगेगा दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर 5:7 है तो ए सी का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों इसका दो तरीका होता है, या तो ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी लिख देते हैं, इधर बी का बी आ जाएगा, इधर भी बी का बी आ जाएगा, या तो ये, तो दोस्तों ये तरीका होता है, इस तरीके से भी करेंगे तो भी 3:4, 5:7, इधर 4 का 4, इधर 5 आ जाएगा दोस्तों।
इधर पाँच आ जाएगा दोस्तों, ये 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 7 × 4 = 28। एक तो तरीका ये होता है, एक तरीका 3:4, 5:7, इनका इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, एलसीएम 20 आ जाएगा, इधर 5 इधर 4, 7 × 4 = 28, 3 × 5 = 15, 15 × 20 = 28। आगे देखिए दोस्तों, अब इसमें ए और सी पूछा है, ए 15 और सी 28। आगे देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 6 और 36 है, उनमें से एक संख्या 12 है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, ऊपर आ गया था। आगे देखिए, एक वर्ताकार पारा का क्षेत्रफल 1386 मीटर स्क्वायर है। वर्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर बराबर 1386। 11 × 22 11 × 1 = 11, 11 × 22 11 × 66 263, आर स्क्वायर बराबर 7 × 9 × 7, आर बराबर 7 × 3, आर बराबर 21। यदि पारक के चारों ओर अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बिछाया जाता है तो रास्ते का क्षेत्रफल इसकी पूरे की त्रिज्या दोस्तों 21 थी, तो ये 7 मीटर हो गया, तो ये 14 मीटर। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल बड़ा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर 1 का स्क्वायर माइनस पाई आर 2 का स्क्वायर, पाई कॉमन आ जाएगा दोस्तों, पाई आर 1 का स्क्वायर माइनस पाई आर 2 का स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर वन का स्क्वायर 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, 22/7 × 441 माइनस 14 196, 11 में से 6 गया दोस्तों 5, 3 13 में से 9 गया दोस्तों 4, 3 में से 1 गया 245, 7 से 7 = 21, 7 × 5 = 35, 35 × 22, 5 × 2 = 10, 1 × 3 = 6 = 7, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल होगा। आगे देखिए दोस्तों, एक विक्रेता ने 10 रुपये में 6 की दर से केले खरीदे तथा 6 रुपये में 4 की दर से केले बेच दिए, खरीदे कितने में? 10 रुपये में 6 की दर से, बेचे कितने में? 4 रुपये में 6 रुपये में 4 की दर से। केले का अनुपात बराबर कर लेंगे दोस्तों, लघुत्तम ले लेंगे 12 इधर 2 इधर 3, अब इनको पैसे से गुना कर देंगे दोस्तों, 10 × 20 18, कितने की हानि हुई? 2 की, कितने पे? 20 पे इंटू 100, 20 × 5 = 100, 5 × 10। धन्यवाद दोस्तों।